उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल के धंसने से फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव का अभियान जारी है। 60 मीटर की टनल में से 25 मीटर खुदाई की जा चुकी है, जबकि अभी भी 35 मीटर का मलबा हटाना बाकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। सुरंग के अंदर 40 श्रमिक फंसे हुए हैं, जबकि 35 मीटर तक खुदाई अब भी बची हुई है। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम अब तक 24 मीटर मलबा हटा चुकी है। बता दें कि रविवार की सुबह ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलकियारा से डनलाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा टूट गया, जिससे उसमें काम कर रहे करीब 40 श्रमिक अंदर फंस गए। इस टनल हादसे को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाव अभियान और मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है, विशेषज्ञों से बात की जा रही है, जांच जारी है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित बचाया जाना। देखिए, जब से घटना हुई है तब से लगातार हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है, और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है, और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी इस समय में हमारी प्राथमिकता है कि सभी जो 40 हमारे श्रमिक भाई अंदर हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उनके परिवार के लोगों को, परिवारजनों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि। वहीं उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब बेहतर है, मजदूर सुरक्षित हैं, हम भोजन और पानी मुहैया करा रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। करीब 40 आदमी अंदर है लेकिन सारे सुरक्षित हैं। ये हमने कल रात को 12:30 बजे हमारा कम्युनिकेशन हुआ, दो हमने पाइप डाली हुई, एक से फूड जा रहा है, एक से ऑक्सीजन जा रहा है, तो जो फूड वाली पाइप है उसी से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और उससे ये पता लग रहा है कि वो लोग सारे सुरक्षित हैं। और कल भी हमने कुछ फूड आर्टिकल भेजा, जैसे बताशे भेजे हैं, किशमिश, काजू, ड्राई फ्रूट्स टाइप के, और पानी भी भेजा जा रहा है। और मैं सबको आश्वस्त करता हूँ सारी चीज ठीक है और सारे जोर शोर से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमारा है कैसे उनको इवैक्यूएट करना है, बट फिलहाल वो लोग अभी सब ठीक है। और अंदर जो अभी आप देख रहे हैं, जो आवाज आपको आ रही है वो शॉर्ट क्रीटिंग कह रही है। शॉर्ट क्रीटिंग एक मेथड है जिससे हम जो सरफेस है उसको स्टेबलाइज करते हैं, कॉन्क्रीट को थ्रो किया जाता है, वो वहां पे चिपक जाता है और वो एरिया को हार्डन कर देता है, तो वैसे करने से फिर हम आगे का कार्य कर पाएंगे, उसमें हमारी जो जितनी एक्सकेवेशन है वो सब हो पाएगी। उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल हादसे के बाद रेस्क्यू जारी है, मजदूरों के पास पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि टनल में फंसे मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से हैं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।